उन्होंने की है, तो इसके बारे में भी हम लोग जरूर चर्चा करेंगे। एक जो नई नियुक्ति LDC की हो रही है, उसमें सभी शिक्षक संगठनों की ओर से ये कहा गया है कि ऑफिसेज में और शहर में नज़दीक में पुराने लोगों को रखा जाए जो पहले से कार्यरत हैं, नए लोगों को ग्रामीण इलाके में नियुक्ति दी जाए, जिससे जो रिटायरमेंट के नज़दीक लोग हैं उनको ज़्यादा असुविधा नहीं हो। तो इस बात को भी हम लोग देखेंगे। दूसरा, जो एक दो शिक्षक संगठन ने ये भी बात कही है कि प्रशासनिक जो अधिकारी हैं वो उनके साथ उनका कोई सामंजस्य का अभाव है या क्या है, तो हम लोग बात करेंगे सभी जिला कलेक्टर महोदय से। मैं स्वयं बात करूंगा कि किसी तरह के हमारे शिक्षकों को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो। अगर कोई शिक्षक आप जो ड्यूटी प्रशासन दे रहा है वो नहीं कर रहा है, तो वो हम तक शिकायत करेंगे, तो निश्चित रूप से हम लोग एक्शन लेंगे। लेकिन उनका मान सम्मान जो इस कोरोना वैश्विक महामारी में योद्धा की तरह लड़ रहा है, अपना काम कर रहा है, उसके मान सम्मान में किसी तरह का कोई खिलवाड़ नहीं हो, ये बात पूरी तरीके से देखी जाएगी। बाकी बोर्ड परीक्षाओं के को लेकर के भी कल मुख्यमंत्री जी से हम लोग चर्चा करके इसमें उचित निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी लेंगे, मैं समझता हूँ। तो ये सारी चीज़ें जो शिक्षक संगठनों ने अपनी अपनी बातें कही हैं, और काफ़ी ऐसी बातें आई हैं जिसको हम लोग अधिकारियों के साथ में चर्चा करके और जल्दी हम लोग निर्णय लेंगे, और पुनः समय समय के ऊपर हम लोग इन शिक्षक संगठनों से बात करेंगे। एक दो दिन बाद में हम लोग जो निजी शिक्षण संस्थान हैं उनके जो पदाधिकारी हैं जिन्होंने, उनसे भी हम लोग चर्चा करेंगे, जिससे उनकी भी अपनी क्या समस्याएं हैं, वो क्या चाहते हैं, उससे बात करेंगे। और फिर उसके बाद में हम आगे चल करके फेसबुक लाइव में अभिभावकों की क्या अपेक्षाएं हमारे सरकारी विद्यालयों से हैं या प्राइवेट में उनको क्या दिक्कत आ रही है, उन लोगों से भी बात करेंगे। तो ये जो समय है इसका पूरी तरीके से हम लोग सदुपयोग करके लोगों की भावनाएं क्या हैं, शिक्षकों की भावनाएं क्या हैं, किस प्रकार से हम इस वैश्विक महामारी में योद्धा के रूप में लड़ करके इसे